आज की वीडियो हम बात करेंगे Vivo S15 Pro के बारे में। ठीक है, इसकी रिलीज डेट पाकिस्तान में, इंडिया में, इंटरनेशनली, और इसकी प्राइस भी बताऊंगा मैं तीनों जगह पे। तो आप वीडियो कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके इस वीडियो की। और एक और बात बताता चलूँ, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, तो आप फ़ोन का लुक्स देख सकते हैं। सबसे पहले बेजलस डिस्प्ले के साथ आता है, हमें फ्रंट पर कैमरा होल देखने को मिल जाता है, अच्छे कर्व यहाँ पर हमें कर्व डिस्प्ले मिल रहा है। ठीक है, ये जो इसका प्रो मॉडल है, यहाँ पर ये प्रो मॉडल है और ये सादा मॉडल है। ठीक है, तो प्रो मॉडल में हमें मिल जाता है कर्व डिस्प्ले और जो सादा मॉडल है वहाँ पर हमें मिल जाता है फ्लैट डिस्प्ले। ठीक है, अभी बात कर लीजिए इनके कैमरा बम्प्स की, तो कैमरा बम्प्स देख सकते हैं काफ़ी बड़े कैमरा बम्प दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम कंपनी को, जिनको अच्छे लगते हैं कैमरा बम्प उनके लिए अच्छी बात है, जिनको बुरे लगते हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ज़रा प्राइस की। तो ये देखें ज़रा प्राइस इसकी निकल कर आ रही है यहाँ पर इंडिया में। ठीक है, ये इंडियन प्राइस है इसकी और ये पाकिस्तानी प्राइस है इसकी। ठीक है, तो इंडिया में इसकी प्राइस निकल कर आ रही है लगभग 40,000 के करीब। ठीक है, और बात की जाए इसकी 8 GB और 256 GB वाला वेरियंट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बात की जाए 12 GB वाले रैम की और 256 GB वेरिएंट की, तो वहाँ पर हमें मिल जाएगा इंडिया में 42,600 रुपीज़ का। ठीक है, 42,600 रुपये का इंडिया में मिल जाएगा हमें। और बात की जाए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में मिल जाएगा फ़ोन, इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 90,000। ठीक है, 90,000 PKR। ठीक है, तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस है। और अभी बात कर ली जाए यहाँ पर इसकी लॉन्च डेट की, तो लॉन्च डेट ही बताता चलता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो जब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी किस्म की वीडियोस मैं डालता रहूँ अपने चैनल के ऊपर। ठीक है, फिलहाल जी तो मैं इंडिया में प्राइस बताता चलूँ, इसकी बता दी है, पाकिस्तान में बता दी इसकी प्राइस। ठीक है, तो लॉन्च डेट की बात कर लेते हैं। लॉन्च डेट की बात की जाए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में इसकी लॉन्च डेट हमें मिलती है लगभग यहाँ पर, अभी आज 20 मई है 2022। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसकी लॉन्च नेक्स्ट वीक में कर दी जाएगी। ठीक है, जब 28 या 29 तारीख होगी मई की। ठीक है, और इंडिया की इसकी लॉन्च डेट की बात की जाए तो इसी वीक में होने का इम्कान है। ठीक है, मींस के 25 तारीख तक ये लॉन्च होने का इम्कान है। 25 मई 2022 द रिलीज डेट ऑफ दिस मोबाइल इन इंडिया। ठीक है, तो रिलीज डेट ही बता दी पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। अभी हम चलते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास आ गए स्पेसिफिकेशन Vivo S15। ठीक है, तो ये प्रो मॉडल नहीं है, यहाँ पर इसकी बड़ी बड़ी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि 6.62 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है, 1080x2400 के पिक्सल मिल जाते हैं, 64 MP का कैमरा मिल जाता है जो कि 1080p वीडियो बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। बात की जाए यहाँ पर प्रोसेसर की, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875G प्रोसेसर मिल जाता है, 4500 mAh का सेल मिल जाता है, और 8 GB ऑफ रैम अप टू 12 GB ऑफ रैम। ठीक है, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर मेंशन नहीं की गई, तो मैं आपको बिल्ड क्वालिटी भी दिखा देता। ठीक है, तो फ्रंट पर हमें 32 MP का सेंसर मिल जाता है जो कि 1080p वीडियो बनाता है, बैक पर मिलता है हमें 4K वीडियो बनाएगा। ठीक है, बैक कैमरा, तो 3.5 mm ऑडियो जैक मौजूद नहीं, लाउड स्पीकर मौजूद है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, तो 4500 mAh का सेल मिल जाता है। और यहाँ पर बात की जाए इसकी फास्ट चार्जिंग की, तो 66 W की फास्ट चार्जिंग हमें देखने को मिल जाती है। और प्राइस मैं इसकी यहाँ पर इंटरनेशनल बताता चलूँ, 380 €, जो कि पाकिस्तान में मैं बता चुका हूँ, इंडिया में बता चुका हूँ आपको प्राइस। ठीक है, तो अभी हम ज़रा इसकी USB में बात कर लेते हैं। USB हमें टाइप सी मिल जाती है 2.0। ठीक है, किसी किस्म की वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग देखने को नहीं मिलती इस मोबाइल के अंदर। ठीक है, और अभी मैं एक और बात बताता चलूँ यहाँ पर आपको, ये देख सकते हैं Vivo S15 Pro है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हमें मिल जाता है एंड्रॉयड 12 के साथ आता है, 6.56 इंचज़ का डिस्प्ले मिल जाता है, 1080x2176 यहाँ पर पिक्सल्स मिल जाते हैं, 50 MP का सेंसर देखने को मिल जाता है, 4K वीडियो बनाएगा, 8 GB ऑफ रैम एंड 12 GB ऑफ रैम, और 4500 mAh का सेल मिल जाता है, वही वाला जब जैसा कि पहले मोबाइल में मिल रहा था, 120 Hz का डिस्प्ले मिल जाता है देखने को। और बात की जाए इसकी बिल्ड क्वालिटी, फिर दोबारा मेंशन नहीं की गई यहाँ पर। ठीक है, जब ये रिलीज़ हो जाएगा तो मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा।
बैक कैमरा कैपेबल है 4K वीडियो शूट करने के, फ्रंट कैमरा 1080p वीडियो ही बनाएगा सिर्फ, ठीक है। और बात कर ली जाए तो ब्लूटूथ 5.3 के साथ मिल जाएगा, 3.5 mm ऑडियो जैक दोनों मोबाइल से मौजूद नहीं है, और इस मोबाइल में डुअल स्पीकर मौजूद है, ठीक है। टाइप सी 2.0, फिंगरप्रिंट स्कैनर इन डिस्प्ले, 4500 mAh का सेल, फास्ट चार्जिंग 18 वोल्ट की, आपका 18 मिनट पर 70% फोन चार्ज कर देगा। 480 यूरो की प्राइस है। मैं दोबारा इसमें रिलीज डेट बताता चलूँ, इस हफ्ते के अंदर ये इंडिया में रिलीज़ होने का इम्कान है, मीन्स के 25 मई तक, और नेक्स्ट वीक पाकिस्तान में इसकी रिलीज़ एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान में रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से जब इंडिया में रिलीज़ होगा तो पाकिस्तान में दोनों में इकट्ठा ही रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा आपको प्राइस बताता चलूँ, इंडिया में प्राइस इसकी 39,000 से लेके 42,000 करीब, ठीक है। और पाकिस्तान में इसकी प्राइस आ रही है 90,000, ठीक है। बता दी मैंने इसकी लॉन्च डेट भी, प्राइस भी, स्पेसिफिकेशन भी, ठीक है। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का तरीकाकार आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करें, देन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मेरी यूट्यूब की हर वीडियोज़ का यहाँ पर एंड स्क्रीन पर लिंक आ चुका है, आई बटन में मैं लिंक दे दिया, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। लगभग 315 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं, ठीक है। और अबाउट एप्पल, सैमसंग, हर एक प्रोडक्ट की वीडियो बना दी है मैंने, ठीक है। आप देखते हैं रोज़ाना मैं 300 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करता हूँ जस्ट फॉर यू, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।